हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ इज़, एम, आर। सबसे पहले मैं आपको इनकी मीनिंग बता देती हूँ। इसका मतलब होता है, एम का हू, आर का मतलब होता है। तो सबसे पहले इसका यूज़ देखते हैं कहाँ पर किया जाता है। प्रेजेंट टेंस में एक वचन सिंगुलर कर्ता के साथ इसका प्रयोग होता है, यानी कि किसी भी प्रेजेंट टेंस में कर्ता अगर हमारा सिंगुलर है तो वहाँ पर हमें इसका यूज़ करना है। जैसे कि मीना इज़ ए गुड गर्ल, मीना एक अच्छी लड़की है। तो मीना कर्ता मीना है, इसमें मीना सिंगुलर है, इसीलिए हमने कर्ता के बाद इसका यूज़ किया है। इसी तरीके से रानी इज़ माई सिस्टर, रानी मेरी बहन है। कर्ता जो है रानी, वो सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पर भी कर्ता के बाद इसका यूज़ किया है। साक्षी इज़ सिक, साक्षी कर्ता है इसमें और वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर भी इसका यूज़ हुआ है। तो सीधी सी बात है, अगर प्रेजेंट टेंस में अगर कर्ता सिंगुलर है तो वहाँ पर इसका यूज़ होगा। इसी तरीके से एम का यूज़ देख लेते हैं। अब कर्ता आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है, यानी कि अगर किसी भी सेंटेंस में कर्ता आई हो तो उसके साथ एम का यूज़ होगा हमेशा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम इन दिल्ली, मैं दिल्ली में हूँ। यहाँ पर आई के साथ एम का यूज़ हो रहा है, कर्ता आई है यहाँ पर। ऐसे ही ये है, आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। तो यहाँ पर कर्ता आई है, इसके साथ एम का यूज़ कर लिया। अब देखते हैं आर। प्रेजेंट टेंस में बहुवचन प्लूरल के साथ आर का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, ये इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। किसी भी प्रेजेंट टेंस में अगर प्लूरल है, कोई भी चीज़ प्लूरल है, तो वहाँ पर आर का यूज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ग्रेप्स आर सॉर, अंगूर खट्टे हैं। ग्रेप्स यानी कि बहुत सारे अंगूर, तो यहाँ पर इस ग्रेप्स के बाद आर का हमने यूज़ कर लिया। इसी तरीके से दीज शूज़ आर वाइट, तो शूज़ यानी कि प्लूरल है, दो शूज़ हैं, तो यहाँ पर हमने इसके बाद आर का यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सिंगुलर का यूज़ होता, सिंगुलर होता है तो वहाँ पर इसका यूज़ होता है प्रेजेंट टेंस में, और जहाँ पर प्लूरल होता है वहाँ पर आर का यूज़ होता है। और आई के बाद हमेशा एम लगाया जाता है अगर कर्ता आई हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा इन तीनों का यूज़। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।